हेलो एवरीवन, आई एम पार्थ एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल द एजुकेशनल कैंपस। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन ए टॉपिक व्हिच इज रिलेटेड टू योर ग्रामर बुक एंड दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ ग्रामर एंड द टाइटल ऑफ दिस वीडियो इज लेटर्स। तो चलिए भैया बहन, टॉपिक को जल्द से जल्द शुरू करते हैं। लेटर्स, जिसका हिंदी अर्थ है वर्ण या अक्षर। वर्ण या अक्षर, लेटर्स को हिंदी में वर्ण भी कहते हैं या अक्षर भी कहते हैं। आप लोग यहाँ देख रहे हैं, लिखा हुआ है ए बी सी डी, पूरे जेड तक लिखा हुआ है। ये सभी एक एक इंग्लिश लेटर हैं। इन सभी को लेटर कहा जाता है, अक्षर कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। और आपको पता है कि इनके जो ग्रुप है ए टू जेड, जितने लेटर्स हैं, इन लेटर्स के जो ग्रुप है, समूह है, इस समूह को इंग्लिश अल्फाबेट कहा जाता है। यहाँ लिखा हुआ है इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट का अर्थ होता है अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी के जितने सारे अक्षर या वर्ण हैं, ए बी सी डी, जितने सारे लेटर्स हैं, इन लेटर्स का जो ग्रुप है, इन लेटर्स का जो ग्रुप है ए टू जेड तक, ए से लेकर पूरे जेड तक जितने लेटर्स हैं, इन सभी लेटर्स के ग्रुप को इंग्लिश अल्फाबेट कहा जाता है। और ये सभी इंग्लिश अल्फाबेट के एक एक अक्षर हैं। यहाँ लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है कि दीज आर लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ये जितने सारे हैं ए टू जेड तक, जितने सारे हैं, ये अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर्स हैं, अक्षर हैं। वी नो दैट देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में, इंग्लिश अल्फाबेट में ए टू जेड तक पूरे 26 लेटर्स हैं। आप लोग काउंट करके देख लीजिएगा, 1 2 3 4 ऐसे काउंट कर लीजिएगा जेड तक, देखेंगे कि 26 लेटर्स हैं। इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। और वी मेक वर्ड्स यूजिंग दिस लेटर्स, और हम इन लेटर्स का प्रयोग करके वर्ड बनाते हैं। वर्ड मतलब शब्द बनाते हैं। कोई भी शब्द हम लेटर्स से ही बना सकते हैं। जो ए बी सी डी कुछ लेटर्स को आपस में लिख जोड़कर हम वर्ड्स बनाते हैं। इट मीन्स लेटर्स आर द यूनिट ऑफ वर्ड्स। इसका अर्थ है कि जो लेटर्स है वो वर्ड का एक यूनिट है, एक छोटी सी यूनिट है। यूनिट मतलब इकाई, यूनिट मतलब इकाई। लेटर्स जो हैं वो वर्ड की एक सबसे छोटी इकाई है। जैसे मान लीजिए आपका ये जो टाइटल है, ये भी एक वर्ड है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लेटर्स। और लेटर्स जो लिखा हुआ है, किन किन लेटर का प्रयोग किया गया है इसमें, आप लोग देखिए कि यहाँ पर एल है, ई है, टी टी है, ई आर एस है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ कुछ लेटर्स का प्रयोग करके एक लेटर्स का वर्ड बनाया गया है। इसी तरह हम कहते हैं कि यहाँ जो एल है, यहाँ जो एल एक लेटर है, वो एक वर्ड का, ये जो बड़ा वर्ड है, इस वर्ड की एक छोटी सी यूनिट है, छोटी सी इकाई है। इस तरह हम कह सकते हैं कि ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए वर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए इसको हाईलाइट किया गया है रेड कलर से। इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है भैया बहन। इसको कॉपी में आप नोट डाउन कर सकते हैं कि लेटर आखिर क्या है। इसका डेफिनेशन मान के चलिए कि ये डेफिनेशन है लेटर के लिए, तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है कि लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए वर्ड।
एक लेटर जो अक्षर है वो वर्ड की सबसे छोटी यूनिट है, छोटी इकाई है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो लेटर्स हैं 26 लेटर्स हैं, इनको इनको कितने भागों में बांटा गया है, किन किन भागों में बांटा गया है और या इनके कितने प्रकार हैं, काइंड्स ऑफ लेटर्स अब हम जानने वाले हैं यहाँ पर। काइंड्स ऑफ लेटर्स, काइंड्स ऑफ लेटर मतलब वर्णों के प्रकार या अक्षरों के प्रकार, कितने प्रकार के हैं ये 26 लेटर्स को कितने भागों में बांटा गया है। तो फर्स्ट आप लोग देखिए कि यहाँ लिखा हुआ ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू ये पांच लेटर्स हैं, फाइव लेटर्स हैं, इनको फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है, द फर्स्ट ग्रुप ऑफ लेटर्स। इसमें फाइव लेटर्स हैं, क्या क्या लेटर्स हैं, ए ई आई ओ यू। तो फर्स्ट ग्रुप ऑफ लेटर्स में ग्रुप जो पहला ग्रुप जो दिया हुआ है पांच लेटर्स वाला, इसमें आई ए ई आई ओ यू दिया हुआ है। और इन पांचों को भावेल कहा जाता है, इन पांचों को क्या कहा जाता है, भावेल, जिसको हिंदी में स्वर वर्ण कहते हैं। ये स्वर हैं, स्वर वर्ण है, भावेल्स हैं, ये पांचों भावेल्स हैं। अब बाकी जो हैं देख लीजिए, यहाँ नीचे सेकंड ग्रुप दिया हुआ है, सेकंड ग्रुप ऑफ लेटर्स जिसमें 19 लेटर्स हैं, इसमें क्या क्या है देख लीजिए, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी एक्स जेड, यहाँ पर 19 लेटर्स दिया हुआ है। ये 19 लेटर्स जो हैं ये कॉन्सोनेंट हैं, कॉन्सोनेंट मीन व्यंजन वर्ण, कॉन्सोनेंट मीन व्यंजन वर्ण। और लास्ट जो ग्रुप है थर्ड ग्रुप, इसमें टू लेटर्स हैं, दो लेटर्स दिए गए हैं W एंड Y, ये थर्ड ग्रुप में रखा गया है, इसमें टू लेटर्स हैं और इन्हें सेमी भावेल कहा जाता है, इन्हें सेमी भावेल कहा जाता है। तो इस तरह ये जो लेटर्स है 26 लेटर्स जो हैं, 26 जो लेटर्स हैं, इन 26 लेटर्स को तीन भागों में बांटा गया है, भावेल, कॉन्सोनेंट एंड सेमी भावेल। भावेल में फाइव लेटर्स होते हैं, कॉन्सोनेंट में 19 लेटर्स और सेमी भावेल में टू लेटर्स W एंड Y। इसके आगे बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है द फर्स्ट ग्रुप ऑफ फाइव लेटर्स डज नॉट नीड टेकिंग एनी हेल्प इन प्रोनाउंसिएशन फ्रॉम एनी अदर लेटर। यहाँ जो फाइव लेटर्स, पहला ग्रुप में जो फाइव लेटर्स हैं, ये जो फाइव लेटर्स हैं ए ई आई ओ यू द फर्स्ट ग्रुप ऑफ लेटर्स, जिसमें फाइव लेटर्स दिया हुआ है, ये फाइव लेटर्स जो हैं जो भावल हैं, ये इनके प्रोनाउंसिएशन में किसी दूसरे लेटर्स का हेल्प लेना नहीं पड़ता है, इनका उच्चारण में किसी दूसरे लेटर्स से हेल्प लेना नहीं पड़ता है, ये भावल हैं। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी ओर देखें, दीज लेटर्स हेल्प ऑल लेटर्स टू प्रोनाउंस प्रॉपरली। दूसरी ओर देखें जो ए ई आई ओ यू है, फाइव लेटर्स ए ई आई ओ यू, ये फाइव लेटर्स हैं, ये जो फाइव लेटर्स हैं ये दूसरे लेटर्स को सही तरीके से प्रोनाउंसिएशन करने के लिए एक उल्टे हेल्प करते हैं, इनके उच्चारण में किसी का हेल्प लेना नहीं पड़ता, लेकिन ये जो हैं दूसरे लेटर्स के उच्चारण के लिए एक खुद हेल्प करते हैं। दीज लेटर्स आर कॉल्ड भावेल, ये पांचों लेटर्स जो हैं ए ई आई ओ यू जो फाइव लेटर्स हैं ए भावेल कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, भावेल। वर्ड्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड विदाउट भावेल्स,
इसको याद रखना बहुत जरूरी है कि कोई भी वर्ड है वो, चाहे दुनिया की कोई भी वर्ड हो, वो भावेल के बिना, विदाउट भावेल, भावेल के बिना वर्ड बनता ही नहीं है। कोई भी वर्ड देखिए यहाँ पर बहुत, ये जो लिखा हुआ है इतना सारा सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं। आप ऐसा एक वर्ड देखिए जिसमें भावेल नहीं है। देखिए इसमें ई है, पहला जो द लिखा हुआ है इसमें क्या है, ई भावेल है। इसमें क्या है, आई भावेल है। इसमें क्या है, ओ यू दो भावेल है। इसमें ऑप में भी ओ भावेल है। फाइव में आई है, ई है। लेटर्स में भी ई ई है। डच ओ ई है। सभी वर्ड में, दुनिया का एक ऐसा भी वर्ड नहीं है जिसमें भावेल ना हो। वर्ड्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड विदाउट भावेल। भावेल के बिना वर्ड्स बन ही नहीं सकते। अगला देखते हैं, द सेकेंड ग्रुप ऑफ 19 लेटर्स, द सेकेंड ग्रुप ऑफ 19 लेटर्स कैन नॉट बी प्रोनाउंस्ड विदाउट द हेल्प ऑफ भावेल्स। जो दूसरा ग्रुप है 19 लेटर्स वाला, ये जो दूसरा ग्रुप है सेकेंड ग्रुप 19 लेटर वाला, बी सी डी जी एच जो भी है 19 लेटर्स हैं, इनके प्रोनाउंसिएशन के लिए भावेल का हेल्प लेना पड़ता है। इनका उच्चारण हम भावेल के बिना नहीं कर सकते हैं। When we say see, ध्यान से समझिए, When we say see, 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 बोलिए see, it is followed by e, it is followed by e sound in pronunciation। जब हम see बोलते हैं, see बोलिए, बोल के देखिए, see, 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 जब हम see बोलते हैं तो it is followed by e, इसके बाद ई का उच्चारण आता है, सी सी ई। सी जब बोलते हैं तो उसके बाद ई का उच्चारण, ई का ध्वनि निकलती है। और व्हेन वी से एम, इट इज प्रेसीडेड बाय ए साउंड, ए साउंड। जब हम एम बोलते हैं तो एम बोलने से पहले ए साउंड आता है, ए एम 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 एम। तो एम जब भी बोलते हैं तो पहले ए साउंड आ जाता है। ओनली कॉन्सोनेंट कैन नॉट मेक वर्ड्स। पहले हम सीखे थे कि जो वर्ड्स हैं वो भावेल के बिना नहीं बन सकते हैं। और यहां इंपॉर्टेंट चीज हम सेकंड ग्रुप में सीखे हैं कि यहां जो है कॉन्सोनेंट जो है, केवल कॉन्सनेंट्स मिलकर, केवल कॉन्सनेंट आपस में मिलकर वर्ड्स नहीं बना सकते हैं। आप कोई भी कॉन्सनेंट भावेल अगर नहीं लिखेंगे तो केवल कॉन्सनेंट्स को आपस में जोड़कर वर्ड्स नहीं बनेगा, मीनिंगफुल वर्ड्स नहीं बनेगा। अब यहां देखिए कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उदाहरण के लिए माउंटेन, टॉवेल, डू, दिस, फादर, बेंच, एटसेट्रा, एटसेट्रा मतलब इत्यादि आदि। माउंटेन देखिए, माउंटेन पर ध्यान दीजिए, या जो एम ओ यू एन टी ए आई एन, माउंटेन, हम लोग देखते हैं कि यहाँ जो है भावेल भी हैं कॉन्सनेंट भी हैं। यहाँ एक भी वर्ड दिखा सकते हैं क्या, किस जिसमें भावेल ना हो, ए ई आई ओ यू ना हो? नहीं, सभी में ए ई आई ओ यू में से कोई ना कोई भावेल है। क्या आप दिखा सकते हैं कि किस कोई वर्ड ऐसा है जिसमें भावेल नहीं है और बिना भावेल के हैं, यानी केवल कॉन्सोनेंट ही हैं? नहीं, केवल कॉन्सोनेंट से भी वर्ड्स बनने वाले नहीं हैं और भावेल के बिना भी वर्ड्स बनने वाले नहीं हैं, इसको याद रखिएगा। देयरफॉर वी सी दैट ओनली कॉन्सोनेंट कैन नॉट मेक वर्ड्स। अतः हम देखते हैं कि केवल कॉन्सोनेंट जो हैं
वो मिलकर आपस में वर्ड्स नहीं बना सकते हैं। कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन वर्ण, ए ई आई ओ यू को छोड़कर और सेमी वोवेल डब्ल्यू और वाई को छोड़कर बाकी जितने 19 लेटर्स वाले ग्रुप है सेकंड ग्रुप में, ये सभी कॉन्सोनेंट हैं और केवल कॉन्सोनेंट से वर्ड नहीं बनते हैं। इन ऑल द अबव वर्ड्स वोवेल हैव बीन यूज्ड, ऊपर के सभी वर्ड्स में वोवेल का इस्तेमाल किया गया है। आगे देखते हैं, द थर्ड ग्रुप ऑफ ओनली टू लेटर्स, थर्ड ग्रुप ऑफ ओनली टू लेटर्स, देखिए यहाँ पर W और Y का जो थर्ड ग्रुप था हम दिखा चुके हैं, थर्ड ग्रुप में क्या था, टू लेटर्स थे W एंड Y, और ये दोनों को सेमी वोवेल कहते हैं। और सेमी वोवेल क्यों कहते हैं इसके बारे में हम जानने वाले हैं कि आखिर इन दोनों को सेमी वोवेल क्यों कहते हैं। सेमी वोवेल का मतलब होता है अर्ध स्वर, आधा स्वर वर्ण। क्या ऐसा ही वर्ण होता है जो आधा हो, आधा स्वर हो, आधा व्यंजन हो? हाँ होता है, ध्यान से देखिए समझिए। When semi vowels are used in beginning of words, they are pronounced as consonant. जब भी कभी सेमी वोवेल का उच्चारण किसी कुछ वर्ड के पहले होता है, जब किसी वर्ड के पहले सेमी वोवेल आ जाता है, जैसे देखिए यहाँ पर वैक्स, W A X, वैक्स, यहाँ पर वर्ड के पहले ही W है, यहाँ देखिए याक, Y, वर्ड के पहले ही पहला लेटर ही Y है, यानी सेमी वोवेल है। जब ही जब किसी वर्ड के पहले ही सेमी वोवेल होता है तो उसका उच्चारण जो है कॉन्सोनेंट की तरह होता है। इसको ध्यान से बोलने की कोशिश कीजिए, है ना, समझने की कोशिश कीजिए। बोलिए वैक्स, वैक्स, याक, याक। तो इसमें जो पहले क्या साउंड आ रहा है, व, व का साउंड आ रहा है, व, जो कि एक व्यंजन ध्वनि है, व्यंजन वर्ण की आवाज है। या, याक, या, वाय से क्या साउंड निकलता है, या। तो यह जो साउंड है, यह जो ध्वनि है, ये व्यंजन वर्ण है। आप लोग हिंदी वर्ण वाला में भी जानते होंगे कि अ से लेकर औ तक जो स्वर वर्ण है, और क से लेकर आगे व्यंजन वर्ण है, तो व और य जो है वो व्यंजन वर्ण में ही आता है, व और य, व और य। व W का उच्चारण व की तरह होता है और Y का उच्चारण य की तरह होता है। ये जो व और य है, ये दोनों ही व्यंजन वर्ण है। इस तरह हम कह सकते हैं कि किसी भी वर्ड के पहले जब W और Y आता है तो उसका उच्चारण जो है व और य की तरह होता है, इसलिए इन्हें हम कॉन्सोनेंट कर सकते हैं, यानी इनका उच्चारण जो है कॉन्सोनेंट की तरह होता है। और जब when w and y आर यूज इन एंडिंग ऑफ वर्ड्स, जब किसी वर्ड के लास्ट में y और w का यूज होता है, जब किसी वर्ड के लास्ट में, देखिए यहां पे जैसे उदाहरण दिया हुआ है, बॉय, बो, बॉय, बो, यहाँ पर लास्ट में क्या है, वाई, और बो के लास्ट में क्या है, डब्ल्यू, यहाँ लास्ट में यूज किया गया है। और जब भी डब्ल्यू और वाई का यूज लास्ट में होता है तो उसका उच्चारण जो होता है वो वोवेल की तरह होता है, उसका उच्चारण वोवेल की तरह होता है। आप बोले बॉय, 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 तो और यहाँ बो, बो, तब जब आप बॉय बोलते हैं तो लास्ट में कौन सी ध्वनि आती है, वाय, ई, बाय, बाय, और यहाँ बो, ओ, बो, ओ, बो,
तो जब भी W और Y का यूज वर्ड के पहले होता है तो उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरह होता है, और जब W और Y का यूज वर्ड के लास्ट में होता है तो उसका उच्चारण भावेल की तरह, स्वर वर्ण की तरह होता है। इसलिए इस प्रकार W और Y जो हैं कहीं भावेल की तरह यूज होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, दस W एंड Y आर यूज समवेयर एज भावेल एंड समवेयर एज कॉन्सोनेंट। कहीं कहीं भावेल की तरह यूज किया जाता है W और Y को, और कहीं कहीं कॉन्सोनेंट की तरह यूज किया जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दे आर कॉल्ड सेमी भावेल। ये आधे स्वर हैं, सेमी भावेल हैं। अब हम लोग वर्ड के बारे में जानने वाले हैं। वर्ड क्या है, हम इतने देर तक समझ रहे थे कि जो लेटर्स हैं, कुछ लेटर्स आपस में मिलकर वर्ड बनाते हैं, और हर एक वर्ड में भावल होते हैं, केवल कॉन्सोनेंट से वर्ड्स नहीं बनते हैं। तो आखिर ये जो अब तक हम वर्ड वर्ड कर रहे थे, तो वर्ड है क्या? द मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज ए वर्ड। एक मीनिंगफुल ग्रुप, मीनिंगफुल ग्रुप मतलब एक सार्थक समूह जिसका अर्थ हो, लेटर्स का वह ग्रुप जिसका कुछ अर्थ हो, मीनिंग हो, ऐसे ग्रुप ऑफ लेटर्स को वर्ड कहते हैं, यानी हिंदी में वर्ड को शब्द कहते हैं। शब्द, वर्ड का मतलब होता है शब्द, और शब्द किसे कहते हैं? लेटर्स का वह ग्रुप, लेटर्स का वह ग्रुप जो मीनिंगफुल हो, जिसका कोई निश्चित अर्थ हो। जैसे यहाँ पर कुछ वर्ड्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं, डेस्क, वाटर, ब्यूटीफुल, विंडो। ये जो वर्ड हैं इनके कुछ अर्थ होते हैं। डेस्क जिस पर आप कॉपी रख कर लिखते हैं, है ना, वाटर जिसका अर्थ है पानी जो पीते हैं, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, विंडो मतलब खिड़की। ये जो वर्ड हैं इनके कुछ ना कुछ अर्थ होते हैं, लेकिन जिनके अर्थ नहीं होते हैं तो क्या उनको वर्ड कहेंगे? नहीं, कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं कहेंगे हम उसको वर्ड, चाहे वो ग्रुप ऑफ लेटर्स कितने भी ग्रुप ऑफ लेटर्स क्यों ना हो, है ना। जिसका अर्थ नहीं होता है उसको वर्ड नहीं कहा जाएगा। जैसे ध्यान से देखिए, यहाँ पर पहला वर्ड जो है डेस्क, DESK, डेस्क, इसमें कितने लेटर्स हैं? देयर आर फोर लेटर्स। कितने लेटर्स हैं? फोर लेटर, DESK, यहाँ पर फोर लेटर्स हैं। उसके बाद वाटर, WATER, देयर आर फाइव लेटर्स इन वाटर। वाटर में कितने लेटर्स हैं? फाइव लेटर्स हैं। एंड ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल यानी सुंदर जिसको कहते हैं, ब्यूटीफुल में कितने वर्ड हैं, नहीं सॉरी, ब्यूटीफुल में कितने लेटर्स हैं? BEAUTIFUL, कितने लेटर्स हैं? देयर आर नाइन लेटर्स, इसमें नौ लेटर्स हैं, BEAUTIFUL, काउंट कीजिए, गिनती कीजिए, इसमें नौ लेटर्स हैं। एंड जो लास्ट में विंडो दिया हुआ है, इसमें सिक्स लेटर्स हैं, देयर आर सिक्स लेटर्स। अंत में आपको और एक इम्पोर्टेंट बात बता देना चाहता हूं कि यहां पर आई एंड ए लिखा हुआ, देखिए आई एंड ए आर द वर्ड्स ऑफ वन लेटर ईच। आई और ए ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें प्रत्येक में एक एक लेटर है। आई एक ही लेटर है जिसका अर्थ है मैं, ए इसमें भी एक ही लेटर है जिसका अर्थ है एक। ये दोनों अकेले ही एक एक वर्ड बना लेते हैं, इनमें ग्रुप ऑफ लेटर्स नहीं है। पहले हम सीखे थे कि वर्ड
ग्रुप ऑफ लेटर्स से बनते हैं जिसके मीनिंग हों। लेकिन आई और ए में ग्रुप ऑफ लेटर्स नहीं है, दो चार छः आठ ऐसे कोई लेटर्स नहीं है, इसमें एक एक लेटर से केवल, और एक एक लेटर से ही उन लोग मीनिंगफुल बना लेते हैं अपने आप को, इसलिए ये दोनों एक लेटर से ही वर्ब बना लिए। आई का मतलब मैं और ए का मतलब ए, ये दोनों मीनिंगफुल है इसलिए ये दोनों वर्ड हैं। और इनके अलावा कोई भी लेटर अकेले से एक लेटर से वर्ड नहीं बना सकते। अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस वर्क जो इस चैप्टर के अंत में दिया हुआ है उसको समझ लेते हैं। कुछ भैया बहन इनको लिख भी चुके होंगे, लेकिन लिखने से पहले समझना बहुत जरूरी है, इसलिए समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन है ए, हाउ मेनी लेटर्स आर दे इन दिस वर्ड्स, इन वर्ड्स में कितने लेटर्स हैं, कितने अक्षर हैं। नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं डॉक्टर्स, डेली, कैटल, शर्ट, ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इन वर्ड्स में कितने लेटर्स हैं, कितने अक्षर हैं, इनको अक्षरों को गिनकर लिखना है, उनके नंबर को कितने अक्षर हैं काउंट करना है और लिखना है। तो पहला देखते हैं डॉक्टर्स, इसमें कितने लेटर्स हैं, डी ओ सी टी ओ आर एस, डी वन, ओ टू, सी थ्री, टी फोर, ओ फाइव, आर सिक्स, एस सेवन, इसमें सेवन लेटर्स हैं, तो यहाँ पर लिख दीजिए सेवन लेटर्स। उसके बाद है कैटल, कैटल में कितने लेटर्स हैं गिनती कीजिए, सी ए टी टी एल ई, सिक्स लेटर्स हैं, तो लिख दीजिए सिक्स लेटर्स। कुछ नहीं करना है, जितने अक्षर हैं गिनती करना है और उसका नंबर को लिख देना है इतने लेटर्स हैं बोल के। फैट, एफ ए टी, तीन लेटर्स हैं, थ्री लेटर्स, तो लिख दीजिए यहाँ पर थ्री लेटर्स। बुक, बी डबल ओ के, बुक, फोर लेटर्स हैं, लिख दीजिए फोर लेटर्स। डेली, फाइव लेटर्स हैं, लिख दीजिए फाइव लेटर्स। शर्ट, एस एच आई आर टी, फाइव लेटर्स हैं, लिख दीजिए फाइव लेटर्स। एलिफेंट, ई एल ई पी एच ए एन टी, एट लेटर्स हैं, लिख दीजिए एट लेटर्स। मून, एम डबल ओ एन मून, फोर लेटर्स हैं, लिख दीजिए फोर लेटर्स। इसमें कोई कठिन काम नहीं है, जो वर्ड्स दिए गए हैं इन वर्ड्स में कितने लेटर्स हैं गिनती करना है एक दो तीन चार करके, वन टू थ्री फोर करके, और जितने हैं उतने नंबर लिख देना है, सिंपल सी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बी, पिक आउट वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स इन ईच ऑफ दिस वर्ड्स एंड राइट इन द स्पेस गिवन। यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं, पेन, लव, टीचर, वुमेन, इस तरह कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स में वोवेल को और कॉन्सोनेंट को चुनना है, उनको पहचानना है और उनको नीचे लिखना है, वोवेल के नीचे और कॉन्सोनेंट के नीचे, वोवेल के नीचे वोवेल्स को लिखना है और कॉन्सोनेंट के नीचे कॉन्सोनेंट्स को लिखना है। तो देखना है इस वर्ड्स में कौन कौन वोवेल है और कौन कौन कॉन्सोनेंट्स हैं, तो चलिए देखते हैं। पहला वाला आपके लिए क्या हुआ है, फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, पेन एग्जाम्पल दिया हुआ समझ लीजिए, इसमें पेन में पी ई एन है, थ्री लेटर्स हैं, इन थ्री लेटर्स में वोवेल कौन कौन है और कॉन्सोनेंट कौन कौन है। हम लोग जानते हैं, जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि पी जो है कॉन्सोनेंट है, ई वोवेल है और एन कॉन्सोनेंट है, इसमें एक ही वोवेल है वो है ई, इसलिए वोवेल के नीचे ई लिखा हुआ है। अब पी और एन कॉन्सोनेंट है इसलिए कॉन्सोनेंट के नीचे पी और एन लिखा हुआ है। बहुत सारे भैया बहनों को दिक्कत होती है कि याद कैसे रखें, वोवेल कौन सा है, कॉन्सोनेंट कौन सा है, इतना याद रखने में कठिनाई होती है। कुछ कठिनाई नहीं, समझ लीजिए कि केवल पांच ठो वोवेल से आपको याद रखना है, ए ई आई ओ यू, बाकी सब भूल जाइए।
AEIOU यही पांच कौन वॉवेल्स है, सॉरी वॉवेल्स है। अब बाकी जो है W और Y सेमी वॉवेल और बाकी सब कॉन्सोनेंट्स। तो यहाँ पर AEIOU वॉवेल्स में से देख रहे हैं कि E जो है वॉवेल्स है, अब P और N कॉन्सोनेंट हुए। इसमें AEIOU में से AU जो है यहाँ पर देखिए लाप में AU वॉवेल्स हैं, यहाँ AU लिख दीजिए, और LGH कॉन्सोनेंट हुए तो कॉन्सोनेंट लिख दीजिए। टीचर में देखते हैं EAE वॉवेल और TCH आर कॉन्सोनेंट। वुमेन में W तो हुआ सेमी वॉवेल, W हुआ सेमी वॉवेल, तो वॉवेल क्या है वो ओ और ए, ओ और ए वॉवेल, और एम और एन सेमी वॉवेल, सॉरी एम और एन कॉन्सोनेंट। उसके बाद देखते हैं टॉर्च, इसमें वॉवेल है ओ, लिख दीजिए ओ, और टी आर सी एच हो गए कॉन्सोनेंट। यस्टरडे, इसमें वाई जो है वो सेमी वॉवेल है, अब बाकी देखिए ई ए वॉवेल हुए और एस टी आर डी ए कॉन्सोनेंट हुए। फ्रेंड में आई और ई वॉवेल हुए, एफ आर एन डी कॉन्सोनेंट हुए। टेलीफोन में ई ओ ई ए वॉवेल हुए, अब बाकी जो है टी एल पी एच एन कॉन्सोनेंट हुए। रेन में ए और आई वॉवेल और आर एन कॉन्सोनेंट। इसमें वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स को और अलग अलग करके लिखना है, ये बहुत आसान काम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन सी, पिक वॉवेल आउट ऑफ द फ्लोइंग लेटर्स एंड राइट इन द स्पेस गिवन। इसमें कुछ लेटर्स दिया हुआ है, के डी एफ ई जी कुछ लेटर्स दिए गए हैं, इन लेटर्स के बीच में कौन कौन वॉवेल्स हैं, कौन कौन वॉवेल्स हैं स्वर वर्ण हैं उनको पहचानना है और नीचे दिए गए जगह में लिखना है। तो आपको पता है कि वॉवेल तो केवल पांच हैं, ए ई आई ओ यू, इन पांचों को याद रखना बहुत आसान है, ए ई आई ओ यू। इन पांचों वॉवेल्स में से देखते हैं यहाँ कितने सारे वॉवेल्स हैं, और जितने सारे हैं जितने बार हैं उतना बार लिखना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से वॉवेल्स हैं। देखते हैं कि यहाँ पर ई वॉवेल्स हैं, आई वॉवेल है, ई वॉवेल है, यू वॉवेल है, ए वॉवेल है, और ओ वॉवेल है। इन पांचों वॉवेल्स को जो दिया हुआ है, ई कितना बार है, ई दो बार है, यहाँ एक बार है, यहाँ एक बार है, और बाकी सभी तो एक एक बार है। तो चलिए इनको लिख लेते हैं, ई आई ई यू एम ओ, हो गया काम खत्म। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट एंड रिराइट दीज वर्ड्स। करेक्ट करना है, करेक्शन करना है, कुछ मिस्टेक हैं गलतियां हैं उसको करेक्शन करना है और दोबारा लिखना है। यहाँ पर सीड, सीड मतलब बीज होता है, जो फल के अंदर जो बीज होता है उसको सीड कहते हैं, लेकिन सीड का स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर एस डबल ई डी सीड होता है जिसका अर्थ होता है बीज। बिल्डिंग, बिल्डिंग मतलब मकान होता है, लेकिन यहाँ पर बिल्डिंग में थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, बी यू आई एल डी आई एन जी होगा, लिख लीजिए बिल्डिंग। नाइट, नाइट का अर्थ होता है रात, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर ए नहीं होना चाहिए था, ए दे दिया बीच में, एन आई जी एस टी नाइट मतलब रात। फ्लावर, फ्लावर में थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, कि क्या स्पेलिंग मिस्टेक है, लास्ट में जो ए है वो ए के बदले ई होगा, एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर फ्लावर, लिख लीजिए। मादर, मादर में एम ओ होता है, एम ए नहीं होता है, एम ओ टी एच और ई आर होता है, यहाँ पर ओ दे दिया है तो ठीक कर लीजिए, एम ओ टी एच ई आर मादर, मादर मतलब माँ। उसके बाद है डॉक्टर, डॉक्टर में डी ओ सी टी ओ आर होता है, ए आर दे दिया है, ठीक कर लीजिए, डॉक्टर मतलब चिकित्सक। टाइगर,
टाइगर मतलब बाघ, जिसमें स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, टी आई जी ई आर होगा, यहाँ पर ए आर कर दिया है, टाइगर ठीक कर लीजिए, टाइगर मतलब बाघ। यहाँ पर टेल, टेल मतलब पूंछ होता है लेकिन स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, टी ए आई एल होगा, ई दे दिया है, टी ए आई एल, टेल मतलब पूंछ, जानवरों के पूंछ होते हैं। ट्रेन, ट्रेन मतलब रेलगाड़ी जिस, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक है, टी आर ए आई एन, ट्रेन, टी आर ए आई एन, ट्रेन मतलब रेलगाड़ी। फादर, फादर में एफ ए तो होता है लेकिन टी एच ई आर नहीं होता है, नहीं टी एच ई आर होता है, ओ आर नहीं होता है, यहाँ पर ओ दे दिया लास्ट में, तो ठीक कर लीजिए, एफ ए टी एच ई आर, फादर, फादर मतलब पिताजी। हो गया, समझ गए, इसमें कुछ मिस्टेक दिए गए थे और उन मिस्टेक्स को करेक्शन करके दोबारा लिखना पड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये अंतिम क्वेश्चन भी है, लास्ट क्वेश्चन भी है, देखते हैं। इंसर्ट द मिसिंग वॉवेल्स टू मेक वर्ड्स, नीचे जो कुछ गैप दिए गए, देखिए वर्ड के अंदर गैप दिए गए हैं और उन गैप में जो वॉवेल मिसिंग है, वॉवेल मतलब स्वर वर्ण कुछ डालना पड़ेगा और स्वर वर्ण कुछ डाल देने से वो वर्ड कंप्लीट हो जाता है और फिर मीनिंगफुल बन जाता है, तो जो मिसिंग वॉवेल्स है उसको डालकर हम लोग वर्ड बनाएंगे। तो यहाँ पर सी एल गैप है, टी एच है, तो यहाँ पर ओ डाल देते हैं, सी एल ओ टी एच, क्लोथ, क्लोथ मतलब कपड़ा। यहाँ पर एन डैश पी के डैश एन, यहाँ पर एन एक डाल दीजिए, यहाँ पर आई डाल दीजिए, तो नैपकिन हो जाएगा, नैपकिन मतलब रुमाल। यहाँ पर टी गैप डब्ल्यू एन है, तो टी के बाद ओ डाल दीजिए, टी ओ डब्ल्यू एन, टाउन, टाउन मतलब शहर। यहाँ पर इसको मैंगो बना दीजिए, एम ए एन जी ओ, मैंगो, मैंगो मतलब आम, इसमें बनाना बन जाएगा, बी ए एन ए एन ए, बनाना मतलब केला। इसमें ऊल बना दीजिए, डब्ल्यू डब्ल ओ एल, डबल ओ डाल दीजिए, तो वूल बन जाएगा, वूल मतलब ऊन जिससे हम लोग स्वेटर बनाया जाता है, स्वेटर बनते हैं ऊन से। बाफेलो बनेगा, यहाँ पर बी यू डाल दीजिए, बी यू डबल एफ ए एल ओ, बाफेलो, बाफेलो मतलब भैंस। इसमें शुगर बनेगा, एस यू जी ए आर, शुगर। तो यहाँ पर जितने सारे गैप्स हैं और गैप्स में जो जो लेटर डाले गए हैं, थोड़ा गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो जो लेटर डाले गए हैं ये सभी वॉवेल्स हैं, ए ई आई ओ यू में से है ना, इसलिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है मिसिंग वॉवेल्स को इंसर्ट कीजिए, मिसिंग वॉवेल को डालिए और वर्ड बनाइए। हो गया, समझ गए, और इस चैप्टर इस तरह समाप्त होता है, लेकिन इस चैप्टर्स के अंत में हम लोग कुछ मेन पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे जो कि हम पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, है ना। तो चलिए क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं, जो क्या क्या मेन पॉइंट्स हम लोग सीखे हैं, मुख्य बिंदु, वो मेन पॉइंट्स हैं, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में 26 वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश, वॉवेल, कॉन्सोनेंट एंड सेमी वॉवेल, इंग्लिश में 3 टाइप्स ऑफ लेटर्स होते हैं, वॉवेल स्वर वर्ण, कॉन्सोनेंट व्यंजन वर्ण और सेमी वॉवेल आधा स्वर यानी अर्ध स्वर। देयर आर 19 कॉन्सोनेंट्स, 5 वॉवेल्स एंड 2 सेमी वॉवेल्स, इन 3 टाइप्स ऑफ लेटर्स में 19 कॉन्सोनेंट्स हैं, 5 वॉवेल्स हैं ए ई आई ओ यू और 2 सेमी वॉवेल्स हैं डब्ल्यू एंड वाई। ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए वर्ड, इसको लेटर का डेफिनेशन मान के चलिए एक प्रकार से, कि लेटर जो है एक वर्ड का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। ए वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हिच हैज सम मीनिंग, वर्ड जो होता है एक ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं लेकिन उसमें कुछ मीनिंग होना चाहिए, मीनिंग होना चाहिए, वर्ड्स जो है ग्रुप ऑफ लेटर्स जो मीनिंगफुल हो उसे वर्ड कहते हैं, है ना। तो ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड एच वर्ड, तो इस हम ये हम सीखे हैं कि लेटर के ग्रुप से ही वर्ड बनते हैं लेकिन मीनिंगफुल होना बहुत ज़रूरी है, मीनिंगफुल नहीं होगा तो वर्ड नहीं बनेगा। और डब्ल्यू एंड वाई आर सेमी वॉवेल, तो हम लोग जान चुके हैं डब्ल्यू और वाई सेमी वॉवेल हैं, ए ई
आई ओ यू ए वॉवल्स हैं, बाकी जितने रेस्ट ऑफ 19 हैं वो 19 हैं लेटर्स, वो कॉन्सोनेंट हुए। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।